पंजाब सरकार वालों अपने वादे मुताबिक बुढ़ापा, विधवा अते अपंग नू मिलण वाली पेंशन विच वाधा करदे होए पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों शुरुआत की गई। इसे चलते हल्का लंबी का एक प्रोग्राम हल्का लंबी तो सीनियर कांग्रेस आगू अते साबका मंत्री दे बेटे जगपाल सिंह अबुल खुराना ने शिरकत की। इस मौके पंजाब सरकार दे वायदे मुताबिक मिलण वाली 750 पेंशन वधा के 1500 पेंशन दे लाभपात्रियों नूं चैक भी वंडे गए। इस मौके ब्लॉक विकास अफसर ने दस्सिया कि पंजाब सरकार वालों पेंशनां विच कीते गए वादे नूं लैके समागम करवाया गया है। इस मौके सीनियर कांग्रेस आगू ते हल्का लंबी तो कांग्रेस की संभावी उम्मीदवार जगपाल सिंह अबुल खुराना ने कहा कि पंजाब सरकार दे जो लोक नाल वायदे किए थे उस मुताबिक अज तो लाभपात्रियों नूं मिलण वाली पेंशन 750 तो वधा के 1500 कर दी गई है। मुक्तसर साहिब तो अनमोल सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। बेसिकली ये सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम से CDPO जिहड़ा महकमा होंदा ते इहदा मेन मोटिव जिहड़ा सीगा जी उह है कि पंजाब सरकार ने 1 जुलाई तो जिहड़ी पेंशन है वो 750 पर मंथ तो वधा के जिहड़ी है 1500 रुपये कर दी गई है। अज मुख्यमंत्री साहब वालों जिहड़ा इहदा फॉर्मल इनोग्रेशन किया गया तो हुण जिहड़ी है जी जिहड़ी वधी हुई पेंशन है वो लाभपात्रियों के खाते 1 जुलाई यानी पिछले महीने की भी वधी हुई पेंशन उन्होंने खाते च पेगी तो जिहड़ा सिस्टम है 1500 रुपये पेंशन जिहड़ी है हुण आया करेगी। इहदा ही है जिहड़ा फॉर्मल इनोग्रेशन का प्रोग्राम से जी। हाँ जी, जिहड़े अज्ज तुसीं आ कीता मोदी सरकार वालों जिहड़ा मैनीफेस्टो च कीता गया सीगा 4.5 साल हो गए हुण मतलब लागू किवें कीते जा रहे लास्ट टाइम ते इस तरह कि जो असीं मैनीफेस्टो दे विच वादे कीते सी ये हो बड़ी पहला जाना सीगा बट जिहड़ी ये कुदरती करोपी आई करोना दी उहदे सदका सानू सारे प्रोग्राम आपदे थोड़े जे डिले करने पए और तुहानू पता जिहड़ी ये महामारी आई है कल्ली दे अपने देश च नहीं आई सारी दुनिया ते आई सी और उहदे करके जिहड़ा प्रोग्राम है सारे लेट होए ने। हुण आउण वाले समें दे विच जिन्ने भी असीं आपदे वादे कीते सी असीं हर रोज़ कुछ ना कुछ करदे जा रहे हैं और मैं समझदा कि 2022 दी चोण तो पहलां असीं आपदे सारे वादे पूरे करके चोण दे विच जावांगे। एक लंबी हलके तो जो तुम उम्मीदवार आ रहे हो पहले भी लंबी हलके जो कैंडीडेट इतों आते हैं इलैक्शन लड़ के चले जाते हैं लोगों का गुस्सा भी है भी कैप्टन साहब इतों इलैक्शन लड़े थे फिर वापसी कदम आई नहीं हो कोई पुछण नूं हाल है की मानते हो तुम किहो जे सर्टिफाइड करोगे लोगों का कैप्टन साहब नाल गुस्सा थोड़ा बहुत। मैं समझदा भाई कैप्टन साहब इतने इलैक्शन जरूर लड़े से पर जिहड़ा फतवा सी वह प्रकाश सिंह बादल नूं दिता गया सी और मैं ये समझदा कि प्रकाश सिंह बादल हराने जिहड़ी एक MLA दे तौर पर उन्हां दी जिम्मेवारी बनती सी उन्होंने बिल्कुल नहीं निभाई उन्हां दा कोई भी सानू दिखा दिओ जिथे उन्होंने कोई रिटर्न लंबी हल्के दे बारे किते कोई गल कीती होवे किते लंबी हल्के दे बारे चर्चा कीती होवे किते लंबी हल्के दे लोकां दे विच आ के खड़े होण पिछले 2.5 साल तो बीमारी दे तौर पर वैसे नहीं वो आए बाहर निकले और उस तो पहलां भी जितते हुए MLA दे फर्ज हुंदा कि वह सरकार को आपदे काम जिहड़े हल्के दे काम ने जां कोई काज ने वह लैके जावे ते उत्थों आपदे काम करवा के लियावे। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦਊਂਗੇ ਕੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੀ ਮੈਨੇ ਬਣਾਇਆ ਲੰਬੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ੈਸ਼ ਕੀ ਕਰੋ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर, यहाँ पर आपको मिलेगा हर मुश्किल का हल, जैसे कि मर्दाना कमजोरी, औरतों और पुरुषों के गुप्त रोग, बे औलाद, फालतू चर्बी, बढ़ा हुआ पेट, घटाएं, बवासीर, आपको मिलेगी हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ। मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर, दीप कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट दुआबा शोरूम, कोट रोड, अमृतसर, रोजाना मिल 6 बजे तक।